अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद निम्रा बिशारत। तो आज हम बना रहे हैं ड्राई फ्रूट केक, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। मैदा 2 कप, चीनी 1 कप मैंने पाउडर करके रखी हुई है, दूध 1 कप, विनेगर चाहिए हमें 2 टेबलस्पून, अंडे 3 अदद, ऑयल 3/4 कप, वनीला एसेंस 2 टीस्पून और बेकिंग पाउडर चाहिए हमें 3 टीस्पून। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे, इसमें डालेंगे 3 अंडे, और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 कप पाउडर चीनी। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक कि क्रीमी टेक्सचर ना आ जाए। देखें, अंडों का कलर लाइट हो गया और ये अच्छे से क्रीमी से कलर में हो गया, और इनका टेक्सचर भी क्रीमी सा हो गया है और चीनी अच्छी तरह से इनके अंदर मिक्स हो गई है। अब हम ऑयल डालेंगे इसके अंदर और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखें, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसे एक साइड पे रखते हैं और बटर मिल्क बनाते हैं। 1 कप हमने दूध लिया है, इसके अंदर हम डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून विनेगर और इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से बटर मिल्क रेडी करने के लिए। इसे मिक्स करके साइड पर रख देते हैं हम और इसे फिर से मिक्स करते हैं। पाँच मिनट हो गए, हमारा बटर मिल्क भी तैयार है। अब हम इसके अंदर डालते हैं और साथ साथ मिक्स करते रहते हैं। बेकिंग पाउडर इसको डालते हैं और साथ ही वनीला एसेंस, और अच्छी तरह से मिक्स करें इसे। तो देखें, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर मैदा डालते हैं थोड़ा थोड़ा करके और साथ साथ मिक्स करते हैं। अब सारा डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं यहां तक कि कोई लम्स ना रहे इसके अंदर। तो देखें, ये कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गया, इसमें कोई लम्स नहीं है। तो इसे अब हम अपने पैन में कन्वर्ट करते हैं। ये मेरे पास 8 इंच का पैन है, इसे मैंने ऑयल लगा के ब्राउन पेपर लगा के लाइन करके पहले से रखा हुआ है। अगर आपके पास बटर पेपर हो आप वो भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसे कन्वर्ट करते हैं अपने पैन में। बर्तन हमारा अच्छे से प्री हीट हो चुका है, मैंने 15 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे प्री हीट किया है। ये बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, बैटर को इसके दरमियान में रखते हैं और मीडियम फ्लेम पे इसे 50 to 55 मिनट्स के लिए बेक करते हैं। तो मिलते हैं 50 मिनट्स बाद। देखें, 50 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम देखते हैं केक कैसा बना है। माशाल्लाह, केक बहुत अच्छा बेक हो गया है। अब हम इसे निकालते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक केक ठंडा हो रहा है तब तक हम एक ग्लेज बना लेते हैं। उसके लिए मैंने लिए हैं थोड़े से बादाम, इनको मैंने ब्रीक ब्रीक चॉप कर लिए हैं। शहद लिया मैंने 2 टेबलस्पून और पानी भी लिया 2 टेबलस्पून। तो सबसे पहले हम शहद के अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, इतना कि ये थोड़ा सा पतला हो जाए। आप इसकी जगह एप्पल जैम भी ले सकते हैं अगर आपके पास मौजूद हो तो, और इसे मिक्स करेंगे कि थोड़ा सा पतला हो जाए। तो देखें, ये पतला हो गया और अच्छी तरह से मिक्स भी हो गया इसके अंदर पानी। अब हम इसके अंदर थोड़े से बादाम ऐड कर देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। इस केक के ऊपर हम ग्लेज लगाते हैं जो भी हमने बनाया था, अच्छी तरह से लगाना है। साइडों से भी कवर करना है इसे इसके साथ।
तो देखिए मैंने ग्लेज अच्छी तरह से लगा लिया। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।